यह है फास्ट ट्रैक रिवॉल्ट FR1 Pro और यह है फायरबोल्ट रॉक। दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है और दोनों ही सेम फीचर्स के साथ आती हैं ऑलमोस्ट। हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज दर्शन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार, यहाँ पे फास्ट ट्रैक ने अपनी नई स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी है जो कि एमोलेड डिस्प्ले वाली है और सिर्फ 3000 रुपए इसका प्राइस रखा है। तो मैंने सोचा यार, क्यों ना मंगाऊं और आप लोगों के सामने इसका कंपेरिजन करूँ फायरबोल्ट रॉक के साथ, जो 2500 समथिंग में लॉन्च हुई थी और अभी भी इसका प्राइस आप चेकआउट करोगे तो 2800 रुपीज ही देखने को मिलेगा फ्लिपकार्ट पे। तो एक फेयर कंपैरिजन लगा मुझे और मैंने सोचा यार, सारी चीजें आप लोगों के सामने रखनी चाहिए कि कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आप लोगों को कौन सी लेनी चाहिए। अगर आप लोगों का बजट अंडर 3000 है और एक एमोलेड राउंड डायल स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो तो इन दोनों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यार, चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी अभी लाइक करो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। सबसे पहले मैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करना चाहूंगा। यार, दोनों ही स्मार्ट वॉचेस सर्कुलर डायल में आती है, दोनों की जो डिस्प्ले का साइज है वो 1.3 इंच है। यहाँ पे आप लोगों को लेकिन एक चीज अच्छी फायरबोल्ट रॉक में ये मिल जाती है कि मेटेलिक फ्रेम देखने को मिलता है विद क्रोम फिनिश, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है ओवरऑल लुक को और बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है फायरबोल्ट रॉक देखने में। वही बात की जाए यहाँ पे फास्ट ट्रैक की, तो आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक छोटा सा बटन भी दिया गया है, कुछ भी यहाँ पे मेटल का देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी बेकार लगी है फास्ट ट्रैक की, और जो क्वालिटी है ना ओवरऑल इतनी अच्छी नहीं लगती है। मतलब 3000 रुपए स्पेंड करके भी आपको ज्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही साथ फायरबोल्ट रॉक में आप लोगों को एक वर्किंग ग्रॉन मिल जाना है जो कि काफी अच्छी तरीके से वर्क भी करता है। दोनों स्मार्ट वॉचेस के बैक साइड की बात करूं तो यहाँ पे प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा फास्ट ट्रैक में, और ग्लास इसका यूज किया गया है फायरबोल्ट रॉक में। साथ ही साथ दोनों में एक साइड माइक, दूसरी साइड स्पीकर देखने को मिल जाना है। स्ट्रैप की बात करूं तो दोनों के स्ट्रैप काफी ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रॉक के बेटर स्ट्रैप निकल कर आते हैं। इचिंग रैशेज या स्वेट जैसे आप कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करोगे क्योंकि काफी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल यूज किया गया है। फास्ट ट्रैक के स्ट्रैप में थोड़ा सा हार्ड मटेरियल है जिसकी वजह से हल्की सी इचिंग होने लग जाती है अगर आप ज्यादा देर पहनते हो। ओवरऑल यार, बिल्ड एंड डिजाइन में फायरबोल्ट रॉक काफी आगे है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप लोग जब इन दोनों स्मार्ट वॉचेस को देखोगे तो खुद समझ जाओगे। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के यूआई परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो यार, फायरबोल्ट रॉक को ऑलमोस्ट 1 मंथ से यूज कर रहा हूं और फास्ट ट्रैक को यूज करते हुए 24 आवर्स हो चुके हैं। यहाँ पे यूआई को लेकर मैंने कोई भी इशू फेस नहीं किया है दोनों में से किसी भी स्मार्ट वॉच में। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के मेन्यू से लेकर स्पोर्ट्स मोड, वॉच फेसेस, ये सारी चीजें काफी ज्यादा स्मूथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे लैग या हैंग जैसा इशू आप भी फेस नहीं करोगे क्योंकि अब तक मैंने भी ऐसा कुछ फेस नहीं किया है। यूआई परफॉर्मेंस में यार, दोनों ही यहाँ पे बराबर का काम करती है, यहाँ पे कोई भी विनर नहीं है, दोनों की बढ़िया यूआई निकल कर आती है। अब आते हैं सिमिलर फीचर्स पे, तो इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को 1.3 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जानी है। यहाँ पे आप लोगों को 360x360 का पिक्सल रिजोल्यूशन देखने को मिलता है फास्ट ट्रैक की स्मार्ट वॉच में। वहीं बात करूँ मैं फायरबोल्ट रॉक की तो यहाँ पे 390x390 का पिक्सल रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, जिसकी वजह से 19:20 का फर्क दिखाई देता है साफ अगर आप दोनों स्मार्ट वॉचेस को हाथ में लेकर देखोगे। बाकी इतना ज्यादा फर्क पता नहीं लगेगा अगर आप लोग वीडियो में देख रहे हो। बाकी यार, दोनों स्मार्ट वॉचेस काफी पंची कलर प्रोवाइड करती है, शार्पनेस, कंट्रास्ट, सारी चीजें बहुत बैलेंस देखने को मिलेंगी। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में आप लोग कस्टम वॉच फेसेस भी लगा सकते हो और दोनों की क्वालिटी अभी आप लोगों के सामने है। मुझे बताना आपको किसकी ज्यादा अच्छी लगी। जितना मैं देख पा रहा हूँ रियल में, मुझे हल्की सी फायरबोल्ट रॉक की बेटर लग रही है। इसके अलावा इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग, वॉइस असिस्टेंट जैसे अच्छे फीचर्स तो मिलते ही है। हेल्थ ट्रैकर्स में हार्ट रेट, SPO2, स्लीप मॉनिटरिंग, ब्रीथ मोड जैसे बेहतरीन फीचर्स भी दिए गए हैं। बेसिक फीचर्स में कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर फोरकास्ट, साथ ही साथ फाइंड माई फोन, डू नॉट डिस्टर्ब और टॉर्च जैसे तगड़े फीचर्स मिल जाने हैं। इनके फीचर्स यहीं खत्म नहीं होते यार, आप लोगों को यहाँ पे अलार्म का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप स्मार्ट वॉचेस के थ्रू ही लगा सकते हो, ऐप की जरूरत नहीं है। वाटर रेजिस्टेंट पे आते हैं तो IP68 की रेटिंग मिल जानी है दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में, तो आप लोग बारिश वगैरह में यूज कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस में स्क्रीन लॉक जैसे बेहतरीन फीचर्स भी दिए गए हैं, काफी लोगों की डिमांड रहती है स्क्रीन लॉक की, तो वो यहाँ पे मिल जाना है। इसके अलावा आप बात करते हैं डिफरेंसेस की, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा फास्ट ट्रैक में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आपको फायरबोल्ट रॉक में नहीं मिलते। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन का सपोर्ट मिल जाता है फास्ट ट्रैक में, जो कि मिसिंग है फायरबोल्ट रॉक में। फास्ट ट्रैक में आप लोगों को स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी मिल जाती है जो कि फायरबोल्ट रॉक में नहीं है। अब बात करते हैं कि फायरबोल्ट रॉक किन चीजों में आगे है फास्ट ट्रैक स्मार्ट वॉच से। सबसे पहले यहाँ पे प्रीमियम डिजाइन मिल जाएगा, मेटेलिक बॉडी मिल जाती है, एक वर्किंग क्रॉन भी प्रोवाइड किया गया है, तो ये सारी ही चीजें मिसिंग है फास्ट ट्रैक की स्मार्ट वॉच में। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को
फीमेल हेल ट्रैकर का भी सपोर्ट मिल जाता है और जो इसका साइज है ना वो फीमेल्स के लिए काफी बढ़िया है। वैसे दोनों ही स्मार्ट वॉचेस फीमेल्स भी पहन सकती हैं। इसके अलावा 110 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं रॉक में, 100 अराउंड स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे आप लोगों को फास्ट ट्रैक में। साथ ही साथ फायरवॉल्ट में आप लोगों को 7 से 8 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है विदाउट AOD एंड कॉलिंग। वही बात करूं मैं फास्ट ट्रैक की तो यहाँ पे सिर्फ 5 डेज का ही बैटरी बैकअप प्रोवाइड करती है। तो ये चीजें हैं जहाँ पे फायरवॉल्ट रॉक आगे निकल जाती है फास्ट ट्रैक FR1 प्रो से। एक्यूरेसी पे आते हैं तो इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस को पहनकर मैंने इनका हार्ट रेट टेस्ट किया और कंपेयर किया अपने ऑक्सीमीटर से। एट द एंड जो रिजल्ट निकल कर आया है अभी वो आप लोगों के सामने है। कभी कभी जब मैंने चेक किया तो कभी फायरवॉल्ट बढ़िया रिजल्ट प्रोवाइड करती है तो कभी फास्ट ट्रैक। इसके अलावा SPO2 में भी काफी कमाल का काम कर रही है दोनों ही स्मार्ट वॉचेस और यहाँ पे भी ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा अगर आप लोग ऑक्सीमीटर से कंपेयर करते हो। बाकी हवा में दोनों में से कोई भी स्मार्ट वॉच आपको कोई रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती है। स्टिल मैं यही कहूंगा यार दोनों में से किसी भी स्मार्ट वॉच पे आप लोग ज्यादा मत रहना क्योंकि ये स्मार्ट वॉचेस सिर्फ आइडिया लेने के लिए ही यूज होती हैं, ना कि सीरियस सिचुएशन में आप लोग इसको यूज करो। अभी चलते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस की कॉलिंग क्वालिटी टेस्ट करते हैं और देखते हैं सामने वाले को आवाज कैसी जाती है, हमको उसकी आवाज कैसी आती है। हेलो, हाँ भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, तू बता। बस मैं भी बढ़िया, आवाज सही आ रही है क्या? मुद्दे पे आते हैं सीधा। एकदम बढ़िया सड़क आ रही है, बहुत सही कर रहा हूं मैं। हां था। अच्छा फिर भी सही आ रही है, मुझे भी सही आ रही है आवाज। चल ठीक है, हेलो हेलो क्या हाल है? बढ़िया है, तू बता क्या हाल है? बस भाई बढ़िया, आवाज सही आ रही है मेरी? हाँ सही आ रही है आवाज तो। अच्छा फायरवॉल्ट की एक आऊंगा मैं अभी थोड़ी देर में आऊंगा, एक नई स्मार्ट वॉच आई है फायरवॉल की उसी से कॉल कर रहा था। ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत दूर से बात कर रहा हूँ? नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा, बस थोड़ी सी हल्की आ रही है। हाँ थोड़ी दूर हूँ ना मैं, इसीलिए मैंने पूछा ऐसा। चल ठीक है, बाकी और कोई डिस्टर्बेंस? नहीं और तो कुछ नहीं, आवाज साफ आ रही है बिल्कुल क्लियर। चल ठीक है, होप करता हूँ आप लोगों को कॉलिंग क्वालिटी का एक आइडिया मिल गया होगा। मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोगों को कॉलिंग क्वालिटी किस स्मार्ट वॉच की ज्यादा बेटर लगी है। अब आते हैं प्राइसिंग एंड कंक्लूजन पे कि आपको इन दोनों में से कौन सी स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए। देखो अंडर 3000 वैसे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, दोनों ही काफ़ी सारे फीचर्स भी प्रोवाइड कर रही है, बढ़िया डिस्प्ले मिल जाती है, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से फायरवॉल्ट रॉक आगे निकल जाती है इस प्राइस रेंज में और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। जो सिंगल चिप आप लोगों को फास्ट ट्रैक में दे रखा है वो आप लोगों को फायरवॉल्ट रॉक में भी मिल जाना है। 1.3 इंच की एमोलेड डिस्प्ले भी मिलती है, इसके अलावा सारे फीचर्स मिल जाएंगे फायरवॉल्ट रॉक में, एक दो फीचर्स को छोड़ कर जो मैंने आपको पहले बताए। बाकी यार दोनों ही स्मार्ट वॉचेस अपनी अपनी जगह बेस्ट है। आप लोगों के सामने मैंने सारी चीजें इसलिए भी रखी है ताकि आप लोग खुद भी एक डिसीजन ले पाओ कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। बाकी मैंने आप लोगों को अपना ओपिनियन बता दिया कि मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फायरवॉल्ट रॉक स्मार्ट वॉच लगती है। अगर आप लोग इन दोनों में से किसी भी स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।